हेलो। हाँ, अभियंता यादव बोल रहे हो? हाँ मैं रोशन बोल रहा हूँ। कल रात को बात हुआ था आपसे। बबल जी बात करेंगे, बात कीजिए उनसे। बोला भाई। हेलो। हेलो, कहाँ भैया? प्रणाम भैया, प्रणाम भैया। ठीक क्या हाल चाल? दिगंदर राय बोल रहे हैं ना? हाँ भैया। अच्छा, हम बबल बोल रहे हैं। हाँ भैया बोलिए। का भाई, काहे इज्जत के छल्ली छोड़ा रहे हो? कहाँ भैया हम बोले हैं। वीरेंद्र भाई, ये जो वीडियो हाँ बनाए हो ना, जी भैया। ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा घातक हो सकती थी, अब नहीं है। तुमसे मेरे मुझे तुमसे कोई गुस्सा नाराजगी नहीं है। हाँ बात हुआ है मनीष जी से हमको। हाँ हाँ, मनीष हमको कॉल किया था कि मुझे बात हुई थी, ठीक है ना? हाँ मैं आपको यही कह रहा हूं कि मैं आपसे, हमको कोई नाराजगी नहीं है, ठीक हाँ है ना? जी हाँ रही बात एकरा माई के बूढ़ चोदे सुधीरवा का, हाँ अभी ओकरा फोन लगैले रही कॉन्फ्रेंस पर, तो कहले रही तोरा जैसन बहुते देखते हैं, और कह के हाँ फोन काट के ब्लैकलिस्ट में नंबर डाल दिया। एक बात आपसे पूछें भैया, बुरा नहीं लगेगा ना? ना बोलिए। आरजेडी परिवार पे बेनामी संपत्ति का कितना केस चल रहा है, आपको पता होगा। हाँ। ई बहिन चोद क्या बोलता है सुधीरवा कि हम 700 करोड़ प्रॉपर्टी का मालिक हैं, तोरा नाम के बेच देम। ई मादर चोद के समझा दीह कि जब एगो लोग बीजेपी के या इसका अगेंस्ट, बाकी क्या समझेगा, विपक्ष दल क्या समझेंगे, जब इसका एक सांसद विधायक 700 करोड़ प्रॉपर्टी का मालिक है, तो आला कमान क्या, कहां से क्या कमा रखा होगा, इसका कोई गिनती है? वही तो लालू जी उनको समझाए फोन करके, तो उस दिन तो शांत है। पूरा पूरा आरजेडी परिवार को बदनाम करने में ही मादर चोद लगा वही उस दिन अनुसूया के पास है। फोन किए लालू यादव, तो वो कॉन्फ्रेंस बात इनको कराए। उसके बाद बहुत लालू जी इनको डांटे कि ये देखिए कि आप लोग क्या कर रहे सुनिए हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, लालू चचा हमारे गार्जियन हैं। मालूम है सर, कहे कि आपको अब आरजेडी सुनिए, परिवार। एक मिनट सुनिए आप, हाँ लालू चाचा हमारे गार्जियन हैं, और आपको मैं ये कहना चाहता हूं भैया कि आने वाला जो फ्यूचर है, इसमें राजद का सिपाही हम और आपको बनना पड़ेगा। हम और आपका मतलब इशारा समझ रहे हैं, पूरा बिहार के जनता को बनना पड़ेगा, राजद का सिपाही, जनता का सिपाही, वही बात। समझ रहे हैं बात को? आ कहां ये हवाबाजी कर रहा है कि 700 करोड़ प्रॉपर्टी का मालिक है? आप जानते हैं हमारा लेवल क्या है? आपने जय साहब का नाम लिया जो मुंगेर में है, हाँ उनसे आपको कहें, आप कहें तो आपकी बात करवा दें। हम जेल में रहते हैं, पर मेरा सिस्टम जेल में नहीं रहता है, समझ गए ना? हाँ मेरा हर एक जाति हर एक धर्म से भाईचारा है, हर एक जाति हर एक धर्म का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। मैं तेजस्वी भैया के विचारधारा का आदमी हूं, आपको बता देता हूं, ठीक है बड़े भैया? ठीक है भैया। लेकिन आपसे एक ही बात कहेंगे कि कभी इस तरह का आदमी का साथ मत दीजिए, आपके घर में फूट डाल देगा, आपके भाई भाई में झगड़ा करवा देगा। आपको प्रेशर देके या किसी तरह से आप भूमिहार समाज को गाली बक दिए, तो ये कहां तक बात फैलेगी, आपको पता है क्या सोच रहे होंगे लोग? ये बात बहुत फोन आ रहा है भैया, देखिए फोन आपको, मैं फोन को कंट्रोल किया हूं, मेरे समर्थक मेरे से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। मनीषवा रात को 2 बजे तक बात करके आदमी को हैंडल कर रहा है कि भैया को फोन मत कीजिए, वीरेंद्र राय निर्दोष आदमी है, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, समझ रहे हैं? आई सुधीरवा, जितना प्रभुनाथ सिंह का पुराना इज्जत बना बनाया था, रणधीर भैया का जितना पुराना इज्जत बना बनाया था, उस सबको मिट्टी में मिला दिया। सुधीरवा के पास कुछ नहीं है, सब सुधीरवा कूदता है ना, तो रणधीर भैया के ही सिस्टम पे कूदता है वो, उसके अंदर कुछ नहीं है, समझ गए भैया? जी भैया। मरवाने में उसको हमको 3 मिनट लगेगा, मैं उसको मरवा दूंगा, लेकिन मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा कि आरजेडी परिवार के ऊपर कलंक लगे, ये बात सही है भैया।
समझ रहे ना, आम की एक आप आम की टोकरी देखे होंगे, सीजन अभी आम का है, आम से उदाहरण आपको देते हैं कि आम की टोकरी में एक आम अगर सड़ जाता है ना, तो एक आम को फेंकते हैं, क्या समझे? हाँ समझ गया। नहीं तो एक आम को फेंकते हैं, पूरा पूरा टोकरी नहीं फेंकते हैं, जो सड़ा हुआ है उसी को फेंकते हैं, जो सड़ा हुआ है उसी को फेंकते हैं। अरे मैं कहूंगा आपसे कि इस तरह के व्यक्ति को आरजेडी परिवार में रहने का कोई हक नहीं है। क्यों? आरजेडी परिवार इस तरह का जातीय दंगा फैलाने का काम नहीं करता है कोई, और जो काम ये करवा रहा है ना, ये बहुत ही बड़ा विवाद बन के खड़ा हो जाएगा। खेसारी लाल यादव का कॉल रिकॉर्ड में सुन रहे हैं, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड बोल रहा है, जबकि खेसारी भाई फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं बोले हैं, पता होगा आपको। जी वो तो बात है, जो प्रोग्राम के समय उसी समय से तो गाली कोई भी बात गाली गलौज हो रहा है ना, उसका औकात है, उसका औकात है वो खेसारी यादव को गाली दे देगा मादर चोद, हमारा सामने आके मुकाबला करे ओकरा माई के बूढ़ पे भात सिझा देंगे, समझ गए? अच्छा एक मिनट एक मिनट, वीरेंद्र भाई, वीरेंद्र जी। हाँ भाई। हाँ मैं रोशन ठाकुर बोल रहा हूँ, मेरा अकाउंट जो भी चलता है रोशन सिंह के नाम से चलता है, आपसे एक बार बता दूं, आप भूमिहार समाज को गाली कहे दिए हैं? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो, इसकी गलती नहीं है, इसे करवाया गया, रोशन भाई तुम रहने दो। तो पहले पूछ तो ले इसके मुंह से, अपने मुंह से बोलेगा ना क्या किया गया कि नहीं किया गया है। अब जो हो गया हो गया, छोड़िए बात, छोड़िए। आपने क्या बोला कि भूमिहार सन अपन बेटी बहन यही दे देवे सन? ना ना, तो ये बात गलत है, इस तरह की बातें अगर आप बोलते हैं। वीरेंद्र राय जी, मैं किसी जाति को गाली नहीं दिया ना, ओनली मैंने सुधीर सिंह को गाली दिया। मेरा हर स्टेटमेंट में आप सुने होंगे कि मैं खाली सुधीर सिंह को गाली दिया हूँ, ना कि किसी जाति को गाली दिया हूँ। नहीं नहीं, ये बात सही है कि आप खाली सुधीर सिंह को गाली दिया। सुधीर सिंह एक ऐसा आदमी है, चैनपुर में बैंक से लोन उठवा के इतना आदमी के नाम पे लोन उठा लिया, जब मैनेजर पे बात गया तो मैनेजर को हार्ट अटैक आ गया। कितना परिवार का को बर्बाद किया है उसके मैनेजर को, परिवार को कौन देख रहा होगा भाई, कौन उसके परिवार को संभाल रहा होगा, ये कभी सोचे हैं आप? एक बात बता, हमारे इशारा सुनिए, आयारा वाला लड़का को काहे गाली दे रहे हैं? आरा का जो पल्सर और लाठी है, जिसके पल्सर में अहिरान लिखा है, उसको आप काहे गाली दिए भाई? जानते हैं उसको आप कौन है वो? सब मनीष जी बोले हैं, बताए हैं, हम बोलेंगे इसके उसके 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 ऊपर अरुण यादव जी का आशीर्वाद है, बिजेंद्र यादव और अरुण यादव है ना? हाँ आरा वाला। हाँ तो उनसे हम लोग का मतलब पारिवारिक संबंध है, वो अरुण यादव जी हमको बेटा बोलते हैं, आपको बता देते हैं ये बात। मेरा आप पुराना फेसबुक पे देखे होंगे, अरुण यादव के साथ मेरा कवर का फोटो लगा था ना? हाँ हाँ। तो अरुण यादव जी बहुत ही, बिजेंद्र यादव जी हर गरीब और कमजोर आदमी की मदद करते हैं, उनके लेवल का आदमी कोई नहीं, वो सब लालू जी के विचारधारा के लोग हैं। बेतिया से राजन तिवारी जी हैं, सुने हैं नाम उनका? राजन तिवारी जी हमको बेटा बोलते हैं, बेटा बोल के बुलाते हैं, बेटा बेटा, समझ गए ना? उनका पर्सनल जो है असिस्टेंट है वो अनुराग भैया, वो भी हमको मतलब वो बोलते हैं कि आप मेरे भैया हैं, आप मेरे भाई हैं, ठीक है। और वो जो उसकी बात रही बात झगड़ा जातिवाद फैलाने की, तो आगे कोई आप ऐसा मैसेज नहीं कीजिएगा जिससे कि राजद परिवार बदनाम होगा। भैया हम बोल दिए हैं मनोज जी को कि आज के बाद मेरा मोबाइल है मेरे पास, अब नहीं रहेगा तो आप बोल नहीं रहेगा तो आप वीडियो का वीडियो काहे ला बनाए भाई? बात होने दीजिए ना बबल भाई से हमको, ए सुनो रोशन, सुनो सुनो, तुम एक मिनट रुको ना, रुको। हाँ बोलिए 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 भाई। बोल रहे हैं कि खुद हम अपना बिजनेस, पिताजी बोलेंगे जा बिजनेस करने राजनीति में, तो तुम उनको नहीं कुछ भी। आपको सुनिए, हम लोग के बड़े भैया शिवा भैया हैं, अभी वहाँ कलकत्ता जेल में है। हाँ। ममता बनर्जी जी से उनकी बिल्कुल टचअप बात होती है। हाँ। समझ गए, कलकत्ता में जहाँ पे ये सेतु नहीं है, कौन सा सेतु है देखिए ना, भूल रहे हैं। हाँ, गांधी सेतु। हाँ, सेतु है, विद्यासागर सेतु है क्या पता, ऐसा कुछ है। हाँ, हाँ। उस सेतु के बगल में ही मतलब उनका आदमी सब रहता है, वहीं पे बहुत अच्छा कांटेक्ट है उन सब से।
ममता जी के साथ उनकी फोटो भी है, मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। और रही बात ये जो सुधीर सिंह सेमी का बात करता है ना, तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट किस चीज को पैदा करता है आप जानते होंगे। हाँ विकास जी हमको यही साहब बोल रहे थे, विकास भाई बोल रहे थे ना, विकास मेरा छोटा भाई है, विकास आरा से बिहिया का है, समझ गए। नहीं नहीं विकास जी जो अभी उसका उम्र पहल का पोस्टिंग मत रखे है। विकास जी कौन है? अच्छा जय साहब। हाँ जय साहब। तो ये जो बोले ना जो गैंगस्टर यादव करके लड़का है एक, हाँ तो वो मेरा छोटा भाई के समान है, आरा बिहिया का है। हाँ बात हुआ हमसे। हाँ आपने ये भी उनको कहा है कि मुखिया का चुनाव लड़ेंगे तो बुलाएंगे आपको, तो सुधीरबा से हट जाइए, आपको हर चीज से मदद हम करेंगे, समझ गए। हम खुद बिजनेस अपना करने बबल भाई जा रहे हैं, एकदम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। मेरे साथ में पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार का आशीर्वाद है, समझ गए। हाँ। अदर स्टेट में भी मेरा जानकारी है हर जगह, आज देख रहे हैं मैं कितना जेल में भी हूँ तब भी इज्जत से बात करता हूँ मैं आपसे, मेरे पास हर चीज की सुविधा अवेलेबल है, समझ गए। रणधीर सिंह का नाम बेचवा दिया आपको, वो जो आज उसका हम वीडियो देखे हैं फॉर्चूनर में घूमता है, गरीब और कमजोर आदमी का ब्लड बेच के फॉर्चूनर खरीदा है, आपको पता है ये बात? सब मालूम है भाई, क्या हम लोग करें यहाँ, आपको वहां तक सपोर्ट हम करेंगे जहां आप हैं, समझ गए। इसकी इतनी औकात नहीं कि खेसारी लाल यादव को गाली दे देंगे, पवन भैया को गाली देंगे, रवि किशन भैया को गाली देंगे, निरहुआ भैया को गाली देंगे, प्रमोद प्रेमी भैया को गाली देंगे, रे तेरी मैया का चोद हो तुम है क्या रे मादर चोद, तुम अपनी लेवल देख रहा है, जातीय दंगा भड़काने के चक्कर में जो लगे हो ये मत करो। खेसारी लाल यादव ने हमको मेरे को नहीं फोन करके बोला है कि आप मेरे पक्ष में अगुवाही करो, या फिर किसी और को आप मत बोलिए कि आप अगुवाही करो, करने के लिए बोला है फोन करके, मुंगेर के बबलवा से करवाता है फोन, इस टाइप का कोई बात नहीं है। मैं सपोर्टर हूं खेसारी लाल यादव का, समझ गए। और आरजेडी में मुझे गुस्सा सबसे ज्यादा आया कि इसने कहा कि मैं 700 करोड़ प्रॉपर्टी का मालिक हूं। रणधीर सिंह का इज्जत आसमान में खड़ा था, तो उस इज्जत को एकदम ये कहां पे पटका है मैं वो बता देता हूं आपसे, जो कीचड़ होता है ना कीचड़ में पटका है रणधीर सिंह के इज्जत को, आपको बता देते हैं, ठीक है। आप ऐसा बात बोलेंगे तो जो अभी इसका बाप जेल खट रहा है, मैं अपने फैमिली से अकेला जेल खट रहा हूं, मेरे ऊपर जो भी मुकदमे हैं सब कॉन्स्पिरेसी के मुकदमे हैं जो कि राजनीतिक हैं, समझ गए। और इसको मैं यही कहूंगा, इसका बाप जेल खट रहा है तो वो क्या मशरक और छपरा को आजाद कराने की जंग लड़के जेल खट रहा है क्या, आप मुझे ये बताएंगे? नहीं, जो कर्म जो करता है उसी का भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है। आप कर्म खराब कीजिएगा तो आप भी भोगिएगा, जनता भोगवाती है उसको, न्यायालय देखती है। सही बात है, समझ गए ना, जनता खुद भोगवा देती है। रही बात चुनाव जीतने की, ये चाहता है ना कि मुझे टिकट मिलेगा, मैं इसको अगवाही करके खेसारी लाल यादव का नाम बेचने की कोशिश करूंगा, तो इसको एक बात समझा दीजिएगा, इतना गोली मारेंगे ना कि पड़ोसी भी देख के पागल हो जाएगा, समझ गए। इसको बता दीजिएगा कि बबल क्या चीज है, समझ गए भैया, आपसे हमको कोई एलर्जी नहीं है, ठीक है। अब मैं अपने समर्थक को भी बोल दिया हूं कि अगर वीरेंद्र राय को स्क्रेच लग गया ना तो मैं अपने समर्थक से भी झगड़ा कर लूंगा, वीरेंद्र राय से कहवाया गया है अगर किसी को कुछ कहना है तो डायरेक्ट सुधीरबा को बोलिए, वो मादर चोद नाजायज औलाद है, कुत्ते का बीज, उसको मैं कटवाने के प्लान में था, लेकिन मैं ऐसा कदम उठाऊंगा तो हमारी आरजेडी परिवार बदनाम हो जाएगी, ठीक है। हम लोग गरीब और कमजोर आदमी का हर हमेशा मदद करते हैं, समझ गए। जी जी भैया, और आपको बता दिया होगा मनीष ने कि हमारे पास इतने फाइनेंशियल गाड़ी हैं जिनको प्रशासन तो सब अपने भाईचारा में है, सब आप सुने होंगे मेरा एक लाइव वीडियो में मंत्री को गाली दिया था, आपने देखा होगा कि थाना प्रभारी को बोला कि वर्दी उतरवा के रोड पे नंगा नचा देंगे रमेश कुमार यादव जी को, तो रमेश यादव हमको फोन करके बोले भैया आप मेरे भैया हैं कि दुश्मन है, तो मैं बोला जी बिल्कुल भाईचारा है, तो उन्होंने बताया तो मंत्री को इतना मैं धमकी दिया कि उसको अटैक का शिकायत बताया, हॉस्पिटल में था भागलपुर में,
समझ गए। आई सुधीरवा जो लोग को तलवार दे के गाली बकवाता है तो ये कोई गलत बात है, कोई अगर जातीय समर्थन करके करते हैं तो ये गलत बात है। मैंने किसी जाति को कुछ नहीं बोला, मैं बार बार कहता हूँ मेरे ऊपर हर जाति हर धर्म का आशीर्वाद है, मैं हर जाति हर धर्म का बेटा भतीजा बच्चा हूँ, समझ गए। मेरा आपसे एज भी कम है, आपको बता देते हैं मेरा एज भी आपसे कम है, पर मैं जो चाह लेता हूँ ना कि इस बंदे को बर्बाद करना है तो उसकी मैया चोद ही देते हैं, ये ध्यान रखिएगा भैया। अगर मैंने आपको ये कहा कि आपके साथ मेरा भाईचारा है तो भाईचारा कायम है, अगर आप कहे नहीं भैया जेल में मिलेंगे तो यहाँ मेरे से मिलने का किसी से आदेश नहीं है, बस फोन से बात होती है, मेरे पिताजी आए उनसे भी मुलाकात नहीं करने दिए यहाँ पे, मैं 5 दिन की छुट्टी में निकला था, देखे थे कितना बड़ा बवाल हो गया था, कितना जनसभा भड़की थी, मेरा सपोर्टर का कमी नहीं है, मैंने वीडियो डाला देखे हैं कितना व्यू है उसका, कितना आदमी वीडियो को देखा, कितना शेयर किया, तभी तो आप लोग तक पहुंचा है, वही ना बात, समझ गए। समर्थन पूरा रहेगा, आप मुखिया का चुनाव लड़िए, पिछले साल 70 वोट आया तो इस बार आपको हम 70 वोट से जितवा देंगे, ये ध्यान रखिएगा, पर सपोर्ट कीजिए सच्चाई का, ठीक है। इसके बाद मेरा लाइफ बोल रहे हैं बबल भाई कभी नहीं जाएगा, ठीक है, ठीक है। और आप भूमिहार समाज से माफी मांगिए, हर जाति से माफी मांगिए कि मैंने हम FB पर माफी मांग कर हम डाल दिए हैं, हम माफी मांगे हैं, माफी हम मांगे हैं, हम डाले हैं FB पर लाइव होकर तुम्हारे के पर हम डाले थे। नहीं भैया तो समझे, आप जातिवाद का जो है किसी का नाम मत लीजिए, रही बात बबल को गाली देने का तो बबल इतना बड़ा हस्ती है ना भैया कि आप समझ नहीं पाइएगा, और है मेरे पास कुछ नहीं, सुन लीजिए भैया जी, आपको बता देते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा जो भी है तो बिहार का जनता और हमारा भाईचारा ही हमारा प्रॉपर्टी है, आपको बता देते हैं, क्यों कि मैं लालू यादव जी, तेज प्रताप भैया जी, तेजस्वी भैया जी, राबड़ी चाची और मीसा दीदी जैसे विचारधारा का बच्चा हूं, मैं बता दिया, समझ गए, ठीक। आने वाला समय में मैं विपक्ष पार्टी को बता दूंगा कि तुम्हारी औकात क्या है, समझ गए। एक फोन पे पावर में जिला महामंत्री को जब अटैक आ सकता है बीजेपी का, तो और आदमी को तो मैं क्या बोलता हूँ, वो तो उनकी औकात ही पता लगती होगी। सबसे देखिए आपको बता देते हैं, उनको जब इसी तरह अश्लील गाना का विरोध करना था तो आपने RCM म्यूजिक को क्यों नहीं बंद किया, जो ये गाना गाते हैं जवानी झड़ जाएगा, भतार जब सलसर छुआवे, दिन पर दिन दोनों लटके भटके, ये सब क्या मतलब है गाना का, ये सब गाना अश्लील नहीं लगा आपको वीरेंद्र भाई? हाँ भैया लगा ना अश्लील आपको ये गाना? नहीं लगा, सब अश्लील गाना निकल रहा है सब। तो रही बात खेसारी भैया, पवन भैया, वो बोला है ना कि कौन बेटी चोर के गरिया दी, कौन बेटी चोर पवन भैया, वो कॉल रिकॉर्डिंग में बोल रहा है, तो हमारा पवन भैया, रवि किशन भैया, निरहुआ भैया, प्रमोद प्रेमी भैया, खेसारी लाल यादव भैया जी, ये भोजपुरी का इज्जत है, भोजपुरी को ये ऊपर बढ़ाने का कोशिश किए हैं, इनको आप गाली दे के बकबक करके शेर कहला रहे हो, उसको बोल दीजिएगा सुधीर सिंह को कि अगर खेसारी लाल यादव को स्क्रेच लग गया ना तो घसीट के मारेगी बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड का जनता, समझ गए। हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, आपको भी इससे जोड़ना चाहते हैं हम, आपको भी कहेंगे भैया कि हर व्यक्ति का मदद कीजिए, समझ गए, ठीक है। हाँ आगे नहीं होना चाहिए, ठीक है भैया, ठीक है भैया। जय राजद, जय लालू, जय तेज तेजस्वी, मीसा दीदी जिंदाबाद, राबड़ी चाची जिंदाबाद, जय परशुराम, जय भूमिहार, जय भूमिहार, जय यदुवंशम, ठीक है भैया। वीरेंद्र भैया आगे को ऐसा गलती मत कीजिएगा, ठीक है भाई, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक।